आपने अपनी नज़र के सामने कुछ अजीबोगरीब चीज तैरती हुई चीज़ें देखी होंगी, खासकर तब जबकि आप नीले आसमान की तरफ देखते हैं। तो कुछ गोलाकार या कुछ छोटी छोटी स्ट्रिंग जैसी या कीड़े जैसी इल्लियों जैसी या कभी कभी पारदर्शी बल्ब की तरह कुछ चीज़ें हमें तैरती हुई हवा में तैरती दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम इन पर फोकस करते हैं या ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो ये गायब हो जाती है या फिर अपनी जगह से हट जाती है। जब कभी हम पलक भी झपकते हैं तो फिर ये गायब हो जाती हैं। इन पर हम कंसंट्रेट नहीं कर सकते। याद आया आपको कुछ? साथियों, हम सब ने इन चीज़ों को कभी ना कभी महसूस किया है। आप चाहें तो अभी भी इन्हें महसूस कर सकते हैं। आखिर ये चीज़ क्या है और आपको ये इस तरह से तैरती हुई क्यों दिखाई देती है? हमारी आंखों के सामने ये आखिर क्यों नाचती रहती है? ये चीज़ें तब अधिक दिखाई देती हैं जबकि हम किसी तेज प्रकाश को देखते हैं, जैसे कि कोई खाली कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखें, वाइट स्क्रीन की तरफ देखें, या स्वच्छ नीले आकाश की ओर जब देखते हैं तब ये चीज़ें हमारी आंखों के सामने तैरती हुई जरूर दिखाई देती हैं। आप सबने भी इन्हें देखा होगा। इन्हें कहा जाता है ई फ्लोटर्स। साथियों, वास्तव में ये जो ई फ्लोटर्स होते हैं ये कोई चीज़ नहीं है, ना ये आपके आसपास उड़ने वाले कोई गोले हैं। भले ही ये फ्लोटर्स आपको जिंदा या लगातार आकार बदलते हुए दिखाई दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरी तरह से हमारी आंख के अंदर मौजूद होते हैं, हमारी आंखों में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये आखिर आंखों में कहाँ रहते हैं? देखिए, होता क्या है, इसके लिए हमें हमारी जो आँख है उसकी संरचना को समझना होगा। वास्तव में जो हमारी आँख होती है, जो आँख की पुतली होती है या लेंस होता है, उसके पीछे एक रेटिना होता है जहाँ पर हमारी सारी चीज़ों का पर्दा बनता है। और लेंस और रेटिना के बीच जो खाली जगह होती है वहाँ तरल चिपचिपे रूप में एक जेल के रूप में रहता है। उसी जेल के अंदर कुछ प्रोटीन के कुछ रक्त कोशिकाएं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, वो ई फ्लोटर्स के रूप में घूमती रहती है। ये जो जब पदार्थ हमारी आंखों में घूमते रहते हैं, जब प्रकाश हमारी आंखों में आता है और जब प्रकाश हमारी आंखों में आता है तब ये हम प्रकाश के बीच में आ जाते हैं, जैसे हमारी आंखों के रेटिना पर इनका प्रतिबिंब बनता है। और जब ये प्रतिबिंब बनता है तो हमें ये दिखाई देते हैं। जब हमारी रेटिना के पास ये बहुत ज़्यादा पास में होते हैं तब ये बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी आंखों के सामने ये बनने वाले जो कीड़े हैं एक्चुअल में ये क्या हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे की ओर सब्सक्राइब बटन दबाएं और इसी तरह से मज़ेदार वीडियो देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।